एक पल के इंतजार में ना जाने हम कितने पल गुजार दिए, एक पल के इंतजार में ना जाने हम कितने पल गुजार दिए। जो पल कभी हमारा था ही नहीं, उसकी सोच में ना जाने कितने वक्त हमने बिता दिए। क्यों रहता है हमें उस पल का इंतजार जो कभी ना आने वाले, मुड़के देख जरा गुजर रहा है वो पल जो कभी ना लौटने वाले। तो आज की कहानी शुरू होती है अरुणाचल के एक छोटी सी गांव में रहने वाली लड़की समायरा। क्लास 6 में पढ़ती थी वो। हंसती खेलती मुस्कुराती हुई एक लड़की, अपने ख्वाबों में रहने वाली, हर चीज फिल्मों की तरह सोचने वाली और जिंदगी को फिल्मों की तरह जीना चाहने वाली। उसका दिन शुरू हुआ था सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से घर आना और घर आके वही अपने ख्वाबों भरी दुनिया में खोए रहना। पूरा दिन फिल्मों के गाने, फिल्म मूवीज, और ऐसा करते करते उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया कि उसको मन होने लगा कि मुझे भी शहर जाना है। गांव में मन नहीं लगता ना, क्या है गांव में, कुछ भी तो नहीं, वही घिसा पिटा जिंदगी, सुबह उठो स्कूल जाओ, अच्छा नहीं लगता। शहर जाना है, वहाँ पे आउटिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट। तो एक दिन समायरा ने जिद पकड़ बैठी सुबह उठ के कि मम्मी स्कूल नहीं जाना है मुझे। मम्मी हैरान परेशान, क्यों क्यों नहीं जाना स्कूल, क्या होगा स्कूल जाके, वही तो पढ़ाई करो, घर आओ और वही जिंदगी, मुझे शहर जाना है, शहर की तरह जिंदगी जीनी है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, घूमना फिरना मस्ती करना जैसा फिल्मों में दिखाता है, मुझे वैसी वाली जिंदगी चाहिए, नहीं रहना मुझे इस गांव में। तो उसकी शिकायत सुन के मुस्कुराती हुई मम्मी ने कहा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शहर जाओगी, क्यों नहीं जाओगी, पर उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा और बड़े होके फिर शहर जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे शहर जाओगी, है ना। तो समायरा बोलती है कि नहीं मुझे तो शहर ही जाना है, स्कूल मुझे बिल्कुल नहीं जाना, शहर वाले स्कूल में भर्ती करा दो। तो मम्मी उसे समझाती है कि समायरा बेटा शहर में कैसे जाओगी, कहाँ रहोगी, क्या खाओगी और पैसा, पैसा भी तो लगेगा ना, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करना है, अपने पैरों में खड़ा होना है और फिर शहर जाना है। पर समायरा तो थी एक क्लास 6 की बच्ची, समझने थोड़ी ना वाली थी, जिद पकड़ रही थी कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, बस गई नहीं स्कूल। और ऐसा एक दिन दो दिन ऐसे ही बीतता गया, मम्मी समझाते समझाते हैरान परेशान। ऐसे करते करते एग्जाम्स का डेट आने लगे, तो टीचर ने रिपोर्ट किया घर पे कि समायरा क्लास क्यों नहीं कर रही। अब टीचर की रिपोर्ट के जवाब देने समायरा की मम्मी स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है समायरा पे, वो स्कूल ही नहीं आना चाहती, बस जिद पे खड़ी हुई है कि शहर जाना है, शहर जाना है। तो टीचर भी पहले सुन के कहती है कि अच्छी बात है, उसे कहिए कि स्कूल आए, पढ़ाई करे, परीक्षा दे और फिर अपने पैरों में खड़ा होकर शहर जाए। तो समायरा की मम्मी कहती है कि मैडम ये तो कब का कह चुकी, समझे तब ना, समझने ही नहीं वाली है बच्ची। तो फिर टीचर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आप जाके समायरा को कहना कि कल स्कूल में मजीशियन आने वाला है मैजिक दिखाने और सभी बच्चों को फ्री में गिफ्ट्स भी देने वाले, वो तो स्कूल पक्का आएगी, अब बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। समायरा की मम्मी थोड़ी परेशान से कहती है, ऐसा क्या करने वाली है मैडम आप। तो टीचर बोलती है कि आप बस मुझ पे छोड़ दीजिए, घर जाइए और समायरा को कहिए कि मजीशियन आने वाला है और सभी बच्चों को फ्री में गिफ्ट्स देने वाले। समायरा की मम्मी घर लौट के आती है और जैसा जैसा प्रिंसिपल मैम ने कहा था ठीक वैसा वैसा वो समायरा को कहती है मजीशियन के बारे में और फ्री गिफ्ट्स के बारे में। तो समायरा तो खुश हो गई, मारे पूछने लगी
क्या वो मजिशियन शहर से आने वाला है? तो मम्मी ने भी थोड़ा चालाकी से बोला कि हाँ, मजिशियन शहर से आने वाला है। बस ये सुन के समायरा की खुशी की तो ठिकाना ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा के एकदम स्कूल जाने के लिए बच्ची रेडी, समायरा की मम्मी भी खुश। तो समायरा पहुंच गई अपनी स्कूल और समायरा को स्कूल में देखते प्रिंसिपल मैम भी हो गई खुश, क्योंकि उन्होंने सारा प्लान बना के रखा था। प्रेयर होने के बाद सभी बच्चे अपनी क्लास लौट जाते। क्लास में जाते समायरा को तो पढ़ाई में मन ही नहीं था, वो तो इंतजार में थी कि कब आएगा मजिशियन। तो वह अपनी साइड वाले फ्रेंड को पूछी, मजिशियन कब आएगा? तो फ्रेंड ऐसे कहती कि मजिशियन कहाँ से? तो समायरा कहती कि तुझे नहीं पता, आज तो मजिशियन आने वाला है ना मैजिक दिखाने और फ्री में गिफ्ट्स भी देने वाले। तो फ्रेंड उसकी बातों में ज़्यादा गौर नहीं करता, सोचा कि समायरा पगला गई है, वैसे भी इतना दिन बाद स्कूल आई है, पता नहीं कौन सी भूत सवार है। समायरा तो थी इंतजार में, और ऐसे में स्कूल के बाहर प्रिंसिपल के प्लान के मुताबिक अचानक से शोरगोल की आवाज़ आने लगी। और शोरगोल की आवाज़ सुन के सभी बाहर आ गए, टीचर्स एंड बच्चे। और बाहर आके देखते कि एक विलेजर सबको बोल रही है कि मेरी बकरियाँ छूट गई है और भाग रही है यहाँ वहाँ, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कर दीजिए बकरियों को पकड़ने में। तो टीचर्स एंड बाकी बच्चे वो लोग कहते कि अभी तो क्लास है, स्कूल है, कैसे मदद करें। प्रिंसिपल के प्लान के मुताबिक वो विलेजर चिपके से समायरा के पास जाती है और जाके कहती है कि जो मुझे मेरी बकरियाँ ढूंढ के देंगे मैं उसे शहर लेके जाऊँगा। बस शहर का नाम सुन के समायरा हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैम मैम, मैं बकरी ढूंढने में मदद करूँ, क्लास नहीं करके। तो प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को बोलता है कि ठीक है, सभी क्लास में लौट जाओ, समायरा रुक जाएगी, वैसे भी इतने दिन बाद आई है समायरा स्कूल, तो ठीक है। और सभी बच्चे और टीचर्स स्कूल के अंदर जाने के बाद प्रिंसिपल मैम समायरा के पास आके बोलती है, समायरा तुम बकरी ढूंढोगी और कुछ ही वक्त में मजिशियन आके मैजिक दिखाएगा, तो तुम्हारा मैजिक मिस नहीं हो जाएगा। तो समायरा कहती है, मैम मैजिक देखने के तो बहुत मौके आएंगे, पहले बकरी ढूंढ देते, किसी का मदद भी हो जाएगा। प्रिंसिपल मन ही मन मुस्कुराती है और समायरा मन ही मन सोचती है कि पहाड़ में जाए मैजिक, पहले शहर तो जाऊँ, कितना मैजिक देख लूँगी वहाँ पे जाके। तो समायरा ढूंढ पड़ती है बकरी को उस विलेजर के साथ। ढूंढते ढूंढते उसे एक बकरी मिला जिसके बॉडी पे एक मार्क करा हुआ था। फिर ढूंढते ढूंढते दूसरा बकरी मिला जिसके बॉडी में 2 मार्किंग करा हुआ था। और फिर ढूंढते ढूंढते उसे तीसरा बकरी मिला जिसके बॉडी पे नंबर 4 का मार्किंग डाला हुआ था। तो अभी समायरा ढूंढती रही क्योंकि तीसरा नंबर भी तो होगा ना। फिर ढूंढते उसे तीसरा नंबर बकरी कहीं नहीं मिला और स्कूल खत्म हो गया, सारे बच्चे घर चले गए। तो प्रिंसिपल मैम आके समायरा को पूछती है, क्या हुआ समायरा, नहीं मिली बकरी? तो हैरान परेशान थका हुआ समायरा कहती है, मैम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 तो मिल गया, लेकिन नंबर 3 तो मिल ही नहीं रही है। तो तब प्रिंसिपल कहती है कि आओ मेरे साथ और उसे अपने चेंबर में लेके जाता है। फिर समायरा को कहती है कि समायरा तुमने बकरी ढूंढने के चक्कर में आज मैजिशियन का मैजिक भी मिस कर दिया और फिर का गिफ्ट भी मिस कर दिया। तुम्हारे हाथ में ऑप्शंस था, है ना, पर तुमने वो ऑप्शन नहीं चुना, तुमने बकरी ढूंढने का ऑप्शन चुना और वो बकरियाँ मैंने ही चुनवाए थे और वहाँ पे 3 ही बकरी था, 1 पे 1 नंबर किया हुआ, दूसरे पे 2 नंबर किया हुआ और तीसरे पे 3 नंबर की जगह 4 नंबर किया हुआ। और देखो उस 3 नंबर
जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस एक धोखा था वो चार लिख के, और उस धोखे के चक्कर में तुमने पूरा दिन गवा दिए तीन नंबर बकरी को ढूंढने में, और तुमने मैजिक और गिफ्ट भी मिस कर दिया। समायरा तो हैरान सी हो जाती है, उसका मुंह तो इतना सा हो जाता है। तो समायरा बोलती है, मैम उस विलेजर ने कहा था कि बकरी ढूंढने पे वो मुझे शहर लेके जाएगा, तो इसीलिए। तो टीचर मुस्कुरा के कहता है कि समायरा, शहर जाने का भूत जो तुम पे सवार है उसी के लिए मैंने ये सब किया। जिंदगी में ये जो तीन नंबर बकरी है ना, ये सबकी लाइफ में आता है ख्वाब बन के, जिसका हकीकत में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हम उस तीन नंबर बकरी की ढूंढने के चक्कर में हकीकत वाला जो मैजिशियन का मैजिक और फ्री का जो गिफ्ट होता है हम वो खो देते हैं। तो इसलिए तुम्हारे हाथ में उसको देखो, सामने तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा एडुकेशन है, पढ़ाई करो, परीक्षा दो, अपने पैरों में खड़े हो जाओ। उस तीन नंबर बकरी को ढूंढने के तलाश में अपना प्रेजेंट जिंदगी बर्बाद मत कर देना, ओके? तो समायरा हंसती है और मैडम को कहती है, थैंक यू मैम। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम सबकी जिंदगी में इनविजिबल, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तीन नंबर बकरी की तलाश हम लोग करते रहते हैं। तो उसकी तलाश करना छोड़ दीजिए, जो है जिंदगी में उसी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुक्रिया कहिए उस भगवान का जो आपको इतना ब्लेस्ड बनाया है, जो भी है आपके पास उसके साथ। पर उस तीन नंबर बकरी को ढूंढने की तलाश में खुद को दुखी मत कीजिए, और अपना प्रेजेंट जिंदगी को जीना मत छोड़ दीजिए। जो हकीकत है उसे जिए, हकीकत में जो पॉसिबल है उसके लिए मेहनत कीजिए, ख्वाबों भरी दुनिया के चक्कर में अपनी हकीकत को मत खो दीजिए। तो यही था आप लोगों के लिए मैसेज, जो समायरा को जो सीख मिली है। आई होप कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को भी बहुत सीख मिलेगा, और आप भी अपनी ज़िंदगी में उस तीन नंबर बकरी की तलाश में बर्बाद नहीं कर देंगे अपना ज़िंदगी। तो चलिए, कहानी यहीं तक था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, टिल देन बाय।